स्वतंत्र प्रभाव से शेयर करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और रीट अभ्यर्थी प्रदेश भर के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी भविष्य हमारा जो है वो बर्बाद नहीं हो। ऐसे में ये लोग आज यहाँ पर धरना देने आए हैं और इन लोगों की मांग है कि रीट भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। क्या नाम है आपका भैया? मनाराम। अच्छा मनाराम, क्या दिक्कत है आप लोगों को, किस प्रकार की? सर हम 3 साल से मतलब कर्ज लेके तैयारी कर रहे हैं और अभी ऐसी कंडीशन आ गई कि रीट भर्ती रद्द करने जा रहे हैं और फर्स्ट लेवल में कहीं पेपर भी आउट नहीं हुआ है जहाँ तक एसओसी जांच कर रही है। तो हमारी यही मांग है कि रीट भर्ती रद्द नहीं हो के 50,000 हो। अच्छा आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये रीट भर्ती को लेकर पेपर लीक होने का मामला है, आपका क्या कमेंट है, अभ्यर्थियों का क्या कमेंट है, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमने 3 साल तक कड़ी मेहनत की है, उससे पहले भी हमने 2-3 साल की डिग्री की है, उसके लिए हमारे घर वालों ने बड़ा कर्ज लेके गहना गिरवी रखे, यहाँ तक कि नरेगा के काम चला के हमारे तैयारी की हम लोग तैयारी करवाई हम लोगों को, लेकिन अभी कंडीशन ये आ गई है कि भर्ती रद्द करनी पड़ रही है, तो आगे हमारे पास तैयारी के लिए सर कोई खर्चा नहीं है और हम लोग यही चाहते हैं कि इस भर्ती में जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दो और उन कठोर कानून लाए उनके लिए, हम ये चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो विद्यार्थी मेहनत करके गए वो इस राजनीति में पिस जाएंगे, उनके पास तैयारी का खर्चा नहीं रहेगा और नेता लोग कह रहे हैं कि जिनकी मेहनत अच्छी है वो विद्यार्थी दोबारा से सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो जो नेता कह रहा है कि उनकी मेहनत अच्छी है दोबारा सिलेक्ट, वो एक बार अपनी विधायक या सांसद पद से इस्तीफा दे, उनकी मेहनत अच्छी है काम अच्छा है तो वो दोबारा जीत जाएंगे, उनको अपने पे भरोसा नहीं है लेकिन हमारी मेहनत पे, वो लोग हमारी मेहनत को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं और हमें बर्बाद करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि रीट की भर्ती को रद्द नहीं की जाए, जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाए। गरीब विद्यार्थियों का सर हमारे पास जयपुर में बैठने के लिए हमारे पास खर्चा नहीं है धरने पर बैठने के लिए, हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि हम जयपुर नहीं जा सकते, एसओसी हमारी कोई नहीं सुनेगी, हम लोग 30-40 विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं और अपने मन से भी पीछे और कई विद्यार्थी आए हैं। सर हम यही चाहते हैं कि हमारी ये भर्ती रद्द नहीं करके और भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए और पद को 50,000 किया जाए क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, ज्यादा कंपटीशन है, 3 साल की तैयारी में गरीब विद्यार्थियों को कोचिंग के भी वो फायदा नहीं मिला कि वो इतने ज्यादा मार्क्स ले पाए, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत स्वाध्याय से घर बैठ के यहाँ 10x10 की कोठड़ी में जिसकी लोहे की चादरों से भी जाता है, उसकी बिना प्लास्टर वाली दीवारें ईंटें बहुत गर्म होती है, वो सारा देखे भी नहीं पढ़ सकता लेकिन वो एक रूम में बैठ के पढ़ता है, वो यही चाहता है कि मेरा भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। अब रद्द हो गई तो सर हमारा कोई कुछ नहीं होना है, आगे भविष्य में हम तैयारी नहीं कर सकते। अच्छा ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने